अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सबका ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक रहिंदे हो जी सारे? तुहानू साडी तरफों सलाम। डॉक्टर शुजात अली हेयर आपके सामने एक आज ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके, और वो हैं जनाब हमारे एक भाई हैं जिनका नाम SJS टिप्स के नाम से वो मशहूर हैं, और वो उनका नाम है और चैनल का नाम है आई बिलीव, ठीक है जी? ज़्यादा मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनकी कुछ हरकतें सामने आई हैं तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि इनके बारे में बात करें। तो मैंने जब इनका देखा जो काम शाम है जो भी ये कर रहे हैं, तो उससे मेरे जहन में एक बात आई कि वो हमने सुना हुआ है कि ये जितने भी छोटे छोटे मीडिया वगैरह वाले चैनल्स वाले वो होते हैं या अखबारों वाले, पहले तो चलता था कि बड़े ब्लैक मेलर होते हैं। तो जब मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी तो मैंने कहा यार ये तो यूट्यूबर ब्लैकमेलर लग रहे हैं मुझे, साथ साथ ये भी लग रहा है कि एक यूट्यूबर कम है और एक पुलिसमैन ज़्यादा हैं, और लोगों को जनाब ऐसी ऐसी धमकियां लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे जनाब उनको पता नहीं क्या क्या वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इनके बारे में बात करूँगा। बहरहाल मुझे आपसे कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन जो भाईजान आपसे बात करने वाली है वो ये है कि आप दूसरों की टांगें खींच के ऊपर आने की कोशिश जब भी करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, ठीक है जी? अच्छा, इनकी अपनी हालत ये है कि इनके आप चैनल पे जाएं तो इन्होंने कोई भी नेगेटिव कमेंट इनके ऊपर करेगा तो वो फ़ौरन उसको या तो ये खुद रिमूव कर देते हैं या फिर इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ कि वो कमेंट खुद ही रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप वाकई ही इतने बहादुर हैं तो फिर क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करें। अच्छा, मैं भी बातें करता हूँ, हम भी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्रिटिसिज्म और बुलिंग और ये सारी चीज़ों में और असल में क्या है। देखें, क्रिटिसाइज़ करना, किसी के ऊपर तनकीद करना आपका हक है, अगर उससे अगले बंदे की बेहतरी होती है तो आपको लाजमी ये बात करनी चाहिए, लेकिन आप जो है ना किसी के ऊपर अपना रोब नहीं जमा सकते, किसी को धमकियां नहीं लगा सकते। जैसे ही आप धमकियां लगाते हैं कि सीधे हो जाओ मैं ये कर दूंगा, तुम भाई तुम ये कर लो मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, फलां कर दूंगा, भाई आपको भी धमकियां लग सकती हैं। आपका क्या ख्याल है, लोगों की पहुँच नहीं है? अगर आपके पास कुछ इस तरह के ज़राए हैं तो आप यकीन कर लें कि बहुत से लोगों के पास आपसे कहीं ऊपर के ज़राए हैं, ठीक है? तो इस बारे में थोड़ा सा ख्याल करें, आप क्रिटिसाइज़ करें लाजमी करें, हम भी करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी करें, और फिर जब लोग आपको कहें तो उनकी बातें भी आप सुने, ठीक है जी? आप पुलिस मैन नहीं हैं, ठीक है जनाब? और किसी को अगर आप धमकियां लगाएंगे तो आपको अपने ऊपर भी धमकियां मिलेंगी, ठीक है? और आपको खुद भी सेफ रहना है। और देखें, कभी भी नेगेटिविटी से आगे आने की कोशिश ना करें, पॉजिटिविटी से आगे आने की कोशिश करें। बहुत से मौजूआत हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिव्यू ना करें चैनल को, ये वो फलां फलां, लेकिन कुछ ख्याल करना चाहिए, ठीक है जनाब? तो ये बात थी, ये इन साहब के लिए मेरी तरफ़ से बात है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं कभी भी अपने कमेंट ब्लॉक नहीं करता, बल्कि जो क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स होते हैं उनका मैं एक मुदल्लल अंदाज से जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये भी थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि ये जो कुछ मैंने सिलसिला शुरू किया था कि कुछ एक दो चैनल के बारे में मैंने बात की थी, और वो भी एक अच्छे अंदाज में बात की थी, और इन भाई के साथ भी कोई पर्सनल मुझे वो नहीं है, और कोई भी किसी किस्म का मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जनाब मैं उनसे कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि आप पुलिसमैन यूट्यूब के नाम बने और आपको इससे खुद भी नुकसान हो सकता है, ठीक है जी? अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो लोग आपका भी बुरा सोचेंगे, ठीक है जी? अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो लोग आपका भी अच्छा सोचेंगे। यहाँ तो हालत ये है कि वो तुसी लोगों का जिन्ना भला करो फिर भी नहीं तुहाड़ी गल मानते, तो तुसी ते जनाब जड़ा ना वो जड़ा कट्टी जाते हो, ठीक है? वो ये अक्सर हमारे ऑफिसेज में, असल में मैंने ये बात देखी है कि लोग जो है ना एक दूसरे की गिबत करके टांगे खींच के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और इन भाईजान साहब ने लग रहा है ये काम यूट्यूब पर पकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला तुहाड़ा भला करे, खुश रहा करो, ठीक है? धमकियाँ नाल नाल कुछ नहीं बनता। तुहाडे कोल अगर इदा दियां धमकियां हैं ने, ते यकीन कर लो, यकीन कर लो, लोगों को बहुत ज़्यादा धमकियां हैं ने, इस तो ज़्यादा, ठीक है? खुश रहा करो। अल्लाह हाफिज़ जनाब, थैंक यू सो मच गाइस।